तो ये बैग आप देख के तो समझ ही गए होंगे इसके अंदर क्या होने वाला है। इसके अंदर एक ट्राइपॉड है जो कि इस प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट ट्राइपॉड आपको मिलता है। तो अगर आप इसके बैग की क्वालिटी देखते हैं तो ये भी आपको वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी देखने को मिल रही है। जहां पे ये आपको हैंडल करने के लिए एक स्ट्रिप दिया गया है जिसकी क्वालिटी भी अच्छी है, और यहाँ पे आपको जिप देखने को मिल जाती है। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं, उसका देखते हैं हमारे ट्राइपॉड की क्वालिटी और उसमें क्या क्या आपको देखने को मिल जाता है। तो ये रहा हम लोग का ट्राइपॉड। तो बात रही इस ट्राइपॉड की कंपनी की, तो ये कंपनी आपको अमेजोन बेसिक की तरफ से देखने को मिल जाता है। तो अब इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं तो इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। इस प्राइस सेगमेंट में इससे बेहतर आपको ट्राइपॉड कहीं नहीं मिलेगा। तो इसकी हेड की क्वालिटी की प्लास्टिक की भी बिल्ड बहुत अच्छी है। ये हार्ड प्लास्टिक से बनाया गया है और इसके एल्यूमिनियम फ्रेम की तो बात ही मत कीजिए, बहुत ही हार्ड और बहुत ही स्ट्रांग है। और इसकी वेट भी बहुत अच्छी खासी आपको मिल जाती है। तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट पिन में इसका लिंक देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब चलते हैं इसके फीचर्स में और देखते हैं क्या क्या आपको इसमें खास देखने को मिलता है। तो शुरुआत करते हैं इसके बॉटम एरिया से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको थ्री लेग्स देखने को मिल जाती है। ये तीनों आपको रोटेटेबल देखने को मिल जाता है ताकि ये अपने आप को सही से एडजस्ट कर सके। तो अब इसे मैं ओपन करता तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक आपको होल्डर टाइप का देखने को मिलता है। ये आपको दिया गया है अगर आप इसे बैलेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ वेट आप हैंग कर सकते हैं। तो जैसा कि आप इस लेग को देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे ग्रिप अपना बना चुका है जिससे कि आपको ये स्टेबिलिटी अच्छी खासी प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो बार एक्सटेंड हो जाता है। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले चलते हैं इसके कुछ फीचर्स पे और देख लेते हैं इसमें क्या आपको और एक्स्ट्रा देखने को मिलता है। तो आप सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक टाइट करने के लिए स्क्रू मिल जाता है जिससे कि आप इसके हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि मैं इसे इस शेप में लाके इसे मैं टाइट कर दूं तो ये इसी शेप में बना रहता है। तो ये आपको एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे एक स्क्रू देखने को मिल जाता है। तो चलिए मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ और मैं इसे टाइट कर देता हूं। तो चलिए अब इसके हेड के बारे में बात करते हैं। हेड में आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिलता है एक हैंडल जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बनाया गया है और इसकी प्लास्टिक बिल्ड भी अच्छी है जो कि मजबूत है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेजोन बेसिक की ब्रांडिंग भी आपको देखने को मिल जाती है। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाता है जिससे आप इसे अप एंड डाउन कर सकते हैं कुछ इस तरह। और अगर आप एक जगह फिक्स करना चाहते हैं तो आप इसको इस तरह रख के इसको टाइट कर दें ताकि ये अप नहीं होगा, अप एंड डाउन, अब यहाँ पे ये फिक्स हो जाता है। और फिर अगर आप करना चाहते हैं तो इसे थोड़ा लूज करें, उसके बाद फिर आप इस तरह से कर सकते हैं। तो अब देखते हैं इस कैमरा माउंट में, अगर आपके कैमरा माउंट में इस टाइप का होल देखने को मिलता है तो आप इसे सिंपली यूज कर सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, तो आप यहां पे देख सकते हैं आपको लिखा मिल जाता है फ्री लॉक। तो फ्री लॉक करने के लिए आप इसे इस तरह से करेंगे तो ये खुल जाता है। तो अब अपना कैमरा इसमें आप फिट कर देंगे, फिट करने के बाद इसे इस तरह से लॉक कर देंगे। तो चलिए मैं अभी फिर से इसे वापस इसमें लगा देता हूं। तो अगर आप मोबाइल फोन यूज करते हैं तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, पहले इसके सारे फीचर्स को मैं आपको बता देता हूं। तो आप यहां पे स्क्रू देख सकते हैं, ये स्क्रू इसको इस तरह फ्लिप करने के लिए दिया गया। अगर आप चाहते हैं इस तरह का शॉट लेना तो यहाँ पे आप लाके इसे टाइट कर देंगे तो ये फिक्स हो जाएगा, या फिर अगर आप इसे लूज करके फिर इसे यहाँ पे लाके इसे टाइट कर देंगे तो ये फिर से टाइट हो जाएगा। तो ये स्क्रू आपको फ्लिप को सेट करने के लिए दिया गया, इसे फ्लिप करके आप जहां पे भी रखना चाहते हैं वहां पे रख के इसे टाइट कर देंगे तो वो वहां पे ही फिक्स रहेगा। तो रही बात की अब इसे रोटेट कैसे करें, तो आप इसे पकड़ के सिंपली इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। अगर आपका ट्राइपॉड रोटेट ना हो तो आप समझ जाएं कि आपका ये स्क्रू टाइट है। तो कौन सा स्क्रू, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्क्रू। तो ये स्क्रू आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लूज और लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप इस तरह करते हैं तो ये लूज हो जाता है तो ये फ्रीली इजिली मूव करेगा। अगर आप इसे इस तरफ करते हैं तो ये टाइट हो जाएगा और लॉक हो जाएगा, तो ये मूव नहीं करेगा। तो अगर आप मूव करना चाहते हैं तो इसे लूज रखें, उसके बाद आप सिनेमैटिक शॉट ले सकते हैं इस तरह से कुछ मूव करके। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक लेवल मिल जाता है, तो आप इस लेवल से ये पता कर सकते हैं कि आपका ट्राइपॉड सही से लेवल में है या नहीं। यहाँ पे आपको रेड कलर का रिंग मिल जाता है, उसमें एक बबल मिलता है, तो वो बबल उस रिंग में आना चाहिए ताकि आपको पता चले कि ये लेवल में है या नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो बबल है ये रेड रिंग के एकदम सेंटर में है जिससे ये पता चलता है कि ये पूरी तरह से लेवल में ट्राइपॉड आपका खड़ा है। तो एक लेवल तो आपको यहाँ पे मिल जाता है, एक और लेवल आपको देखने को मिलता है इस तरफ कुछ यहाँ पे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको एक लेवल देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको ब्लैक कलर का एक यहाँ पे पॉइंट मिला हुआ है, तो उस बीच में इसके बबल को आपको सेट करना, तो आप समझ जाइएगा कि आपका ये एकदम स्ट्रेट लाइन में ये फिक्स हो जाएगा। तो उसके बाद आप इस स्क्रू को टाइट कर देंगे तो ये वहां पे फिक्स हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एकदम बीच सेंटर में है। तो कुछ इस तरह का लुक आपको देखने को मिल जाता है इसके हेड में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये क्या दिया गया है, तो इसके हाइट को थोड़ा और एक्सटेंड करने के लिए आपको ये दिया गया। तो उसे कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप स्क्रू देख रहे होंगे, इस स्क्रू को
सबसे पहले आपको लूज करना है। तो इसे मैं लूज कर लेता हूं, तो आप देख सकते हैं ये लूज हो गया। उसके बाद आपको सिंपली इसे इस तरह से रोटेट करना है, तो आप देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ जाने लगता है, जो कि बहुत ही अच्छा शॉट आपको प्रोवाइड करेगा। अगर आप डाउन टू अप का शॉट लेना चाहते हैं या फिर अप टू डाउन शॉट लेना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा ये आपको मदद करेगा शॉट लेने में। तो आप यहाँ पे ले गए इसके मैक्स पे। मैक्स पे ले आने के बाद आपको सिंपली करना है कि इस स्क्रू को फिर से टाइट कर देना है, तो ये आपको वहीं पे फिक्स हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे उसी पोजीशन में फिर से ले आता हूँ। तो उसके लिए मुझे इस स्क्रू को फिर से लूज करना होगा। लूज करने के बाद सिंपली मैं इसे रोटेट करूंगा, ये उसी पोजीशन में वापस आ जाएगा। ये थोड़ा करने में मजा भी आता है। और फिर से इसे मैं टाइट कर दूंगा और इसे सिंपली इस तरह से रख दूंगा। और इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज किया गया है। देख सकते हैं आपको यहाँ पे रोटेट करने के लिए बहुत ही इजी बॉल अंदर में फिट किया गया है, या फिर जो भी प्रॉपर्टी यूज की गई है बहुत अच्छी है। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी की तो बात हो गई, लेकिन एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आपका इसको हेड देखने को मिलता है, तो इसकी हेड की फिनिश जो है रबर फिनिश है। यहाँ पे आपको थोड़ा सॉफ्टनेस देखने को मिल जाता है, ताकि आप कैमरा यहाँ पे फिट करें तो आपको कैमरा में कोई स्क्रैच या फिर कोई भी डैमेज ना हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और रही बात इसके मैक्स लोड की, तो इसका मैक्स लोड आप 3 kg तक इसमें यूज कर सकते हैं। तो रही बात कि इसमें आप कैसे मोबाइल यूज करें, तो उसके लिए आपको एक छोटे सी इस डिवाइस की जरूरत पड़ती है, जो कि इसमें नहीं मिलता। अगर आप इसका वीडियो नहीं देखें तो आपको ऊपर में शो हो रहा होगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए मैं इसे इसमें फिट करके दिखलाता हूँ ये किस तरह से फिट होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 पोर्ट, तो किसी भी पोर्ट में मैं आपको फिट करके दिखाता हूं। मैं आपको इसके इस पोर्ट में फिट करके दिखाता हूं। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया, इस तरह से इसे फिट कर सकते हैं। आपने यहाँ पे देखा हुआ एक छोटा सा पॉइंट जिसे मैं बार बार प्रेस कर रहा था, उस पॉइंट को प्रेस करना ही होगा ताकि आप इसे अच्छे से फिट कर सकें। तो मैं अब आपको एक्सटेंड करके दिखलाता हूँ कि ये कैसे एक्सटेंड होता है। यहाँ पे आपको क्लिप मिल जाता है, जिसे आप इस तरह से ओपन करेंगे तो ये ओपन हो जाता है, उसके बाद ये एक्सटेंड होता है। उसी तरह आपको एक और यहाँ मिल जाता है, इसे इस तरह से आप ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसके मैक्स हाइट पे इसे फुल ओपन करके दिखलाता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसकी मैक्स हाइट आपको 60 इंच देखने को मिल जाती है। तो मैंने इस ट्राइपॉड के बारे में सारा कुछ आप लोगों को बता दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।